إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين ديني بھائیو اسلامی ماں اور بہنوں علی وقار مشاہدین اور مشاہدات سامعین اور سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارا موضوع سخن ہے ایمان کی حقیقی چاشنی سچی مٹھاس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں ایک شاندار باب قائم کیا ہے باب حلاوت الایمان گزشتہ جمعہ کو ہمارے اس حدیث پر دو درس ہو چکے ہیں آج یہ تیسرا درس ہے حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں ایمان کی خصلتوں میں سے تین خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ پائے جائیں یا پیدا ہو جائیں اس کو ایمان کی سچی مٹھاس حقیقی لذت اور حقیقی لذت مل گئی یا اس نے پا لیا پہلی خصلت ہے اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں دوسری خصلت ہے وہ کسی بھی انسان سے یعنی مسلمانوں میں سے کسی بھی مسلمان سے یا اہل ایمان میں سے کسی بھی اہل ایمان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے اس کا اگرچہ اس سے کوئی خونی رشتہ نہ ہو سببی رشتہ نہ ہو لیکن خاندانی رشتہ نہ ہو تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ مسلمان بننے کے بعد یا اسلام کو قبول کرنے کے بعد یا مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد سن رشد کو پہنچنے کے بعد جب وہ مکلف ہو جاتا ہے تو کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے کوئی آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے یا گوارا نہیں کرتا
उसको ऐसा नागवारा हो, कुफर के नाम से उसको नफरत हो, शिर्क के नाम से, शिर्क के वसाइल से वो दूर भागता हो। इस हदीस में दो मरतबा बल्कि तीन मरतबा मोहब्बत का लफ्ज आया, अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैह। अहब्बा, मैंने गुज़श्ता दर्स में इस लफ्ज़ की तशरीह किया था, वअन युहिब्बा अल मर्उ मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। तो मोहब्बत कहते हैं दिली ताल्लुक को, और गुज़श्ता कई दर्स में मोहब्बत क्या चीज़ होती है, मोहब्बत की कितने किस्में हैं, और मोहब्बत का ये फितरी जज्बा अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में क्यों रखा है, ये सारी चीज़ें इस पे तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। मोहब्बत दरअसल दिली ताल्लुक़ को कहते हैं, और ये एक इंतहाई खूबसूरत एहसास का नाम और हसीन और जमील शऊर का नाम। मोहब्बत एक बेशबहा अनमोल कीमती जज्बा, अनमोल एक खूबसूरत जज्बे का नाम, इसको मिटाया नहीं जा सकता। और ये ताल्लुक, ये राबता, ये रिश्ता किसी इंसान से हो या गैर इंसान से हो, अल्लाह और उसके रसूल से हो या मुसलमानों से हो, या तभी मोहब्बत के तौर पर अपने आल औलाद से हो, रिश्तेदारों से हो, दोस्त अहबाब से हो, इसके दो जुज हैं मोहब्बत के, एक कौली मोहब्बत और दूसरा कल्बी मोहब्बत, जिसको अमली मोहब्बत भी कह सकते हैं आप। कौली मोहब्बत के साथ अगर अमली मोहब्बत शामिल ना हो, कल्बी मोहब्बत शामिल ना हो, तो ऐसी मोहब्बत नाकाबिले एतबार होती है, सिर्फ ज़ुबानी दावे का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आयन मुमकिन है कोई शख्स मोहब्बत का दावेदार तो हो लेकिन उसका दिल मोहब्बत से खाली हो, ज़ुबान से वो दावा कर रहा हो कि मुझे आपसे बड़ा प्यार, मैं आपसे बहुत दिल की बेपनाह गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी आयन मुमकिन है कि दिल में मोहब्बत के बजाय नफ़रत और अदावत, बुग़्ज़ और हसद की आग सिलग रही हो, ज़ुबान से वो अपने बचाव के लिए मोहब्बत का दावा कर रहा हो। इसलिए जब तक मोहब्बत का अमली मुजाहरा ना हो, मोहब्बत के अमली तकाज़ों को पूरा न किया जाए, यानि कल्बी मोहब्बत अमल की शक्ल में ज़ाहिर ना हो, उस वक्त तक कौली मोहब्बत का कोई एतबार, कोई एतमाद, कोई भरोसा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, और कौली और अमली मोहब्बत का मतलब क्या है, उसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। कौली मोहब्बत का मतलब यह होता है कि मोहब्बत करने वाला अपनी ज़ुबान से हरदम अपनी महबूब हस्ती की मदह सताइश बयान करे, हर एक के पास कुछ महबूब हस्तियां हो जाती हैं, वो अपने महबूब कुछ चीज़ें उसके पास पसंदीदा होती हैं, अपनी पसंदीदा आदात, पसंदीदा चीज़ें, पसंदीदा हस्तियों का वो हर वक्त अपनी ज़ुबान से उनका तारुफ करवाता रहता है। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला भी अपने महबूब हमेशा अपनी ज़ुबान से हरदम अपने महबूब हस्ती की मदह सताइश बयान करे, उसके औसाफ और कमालात का खूब तज़करा करे, उसकी बुजुर्गी बड़ाई किबरियाई और अज़मत के कसीदे पढ़ता रहे, नीज़ उसकी मोहब्बत में अपनी जान व माल आलो औलाद को निसार करने का दावा भी करे। ये कौली मोहब्बत, यहाँ दावा किया जाता है, लेकिन कल्बी मोहब्बत में दावे को दलील के तौर पर, अमल के तौर पर, अमल को सबूत के तौर पर पेश किया जाता है, इसको अमली मोहब्बत भी कहते हैं या कल्बी मोहब्बत। उसका मतलब ये होता है कि मोहब्बत करने वाला शख्स सिर्फ अपनी ज़ुबान से अपने महबूब की अकीदत और मोहब्बत और इताअत का दम न भरे, बल्कि अपने अमल से भी उसका सबूत फराहम करे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप कहना चाहें बल्फाज दीगर, मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का इस दर्जे फरमा बरदार बन जाए कि उसके दिल में महबूब
कि किसी महबूब के किसी भी हुक्म अदूली का कभी ख्याल तक ना आए, उसकी नाफरमानी का तसव्वुर तक उसके दिमाग में ना आए। जब महबूब की जानिब से कोई हुक्म या फरमान सादिर हो तो उसे मालूम हो जाए कि उसकी महबूब की मर्जी है, शरीयत का हुक्म यही है, दीन का तकाजा यही है, वो फौरन सदाए लब्बैक कहे और उसकी तामील में लग जाए और उसकी ताबेदारी में जुट जाए। अगर दिल सच्ची मोहब्बत से लबरेज और पुरजोश ना हुआ तो ख्वाहिश के बावजूद इस कस्म की कामिल इताअत का मुजाहरा किसी झूठे मोहब्बत करने वाले शख्स के लिए तो मुमकिन नहीं होगा। मैंने गुज़श्ता दर्स में आपको एक मिसाल से इस बात को समझाने की कोशिश की थी। अब चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और इल्मी मादा बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस मिसाल को आप गुज़श्ता दो दरसों में से किसी दर्स में सुन सकते हैं। खुलासा ये है कि अल्लाह की मोहब्बत में, जिसे हम इस्तिलाह शरीयत में ईमानी मोहब्बत भी कह सकते हैं, शरी मोहब्बत भी कह सकते हैं, अकली मोहब्बत भी उसी का नाम है, कौली और कल्बी यानी अमली दोनों किस्म की मोहब्बतें जब तक दाखिल और शामिल नहीं होगी ये मोहब्बत मुकम्मल नहीं होगी। और इसमें ज़रा बराबर भी तफरीक रवा और जायज़ नहीं है। अच्छा, अल्लाह की मोहब्बत का माना मफहूम क्या है? अल्लाह की मोहब्बत का माना मफहूम क्या है? अल्लाह से खौफ का माना और मतलब क्या है? अल्लाह कोई डरावनी चीज़ तो नहीं है कि हम उससे डर के दहशत में आ जाएं? अल्लाह तो बड़े खूबसूरत हस्ती का नाम। अल्लाह ताला वदूद है, अपने बंदों से बेहद प्यार करने वाला, टूट कर प्यार करने वाला है, बेहद प्यार करने वाला है, और रहमान और रहीम भी है, हद दर्जे मेहरबान है, और उसकी रहमत समंदर ठाटे मारते हुए समंदर की तरह जोश में आती है तो उसकी कोई इंतहा नहीं होती। तो अल्लाह की मोहब्बत का माना और मफहूम क्या है? तो उसके माने और मफहूम ये है मेरे भाइयों कि उसे कसरत से याद किया जाए अल्लाह ताला को। कसरत से याद करने के ताल्लुक से कुरान मजीद में बहुत सारी आयतें हैं। या अय्युहल लदीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। कसरत से याद करने का मतलब यह है कि आप नमाजों के अज़कार को समझ के पढ़ें ताकि आपको मालूम हो कि मैं किससे सरगोशी और मुनाजात कर रहा हूँ, किससे हम कलामी का शर्फ मुझे हासिल हो रहा है। नमाज में जो दुआएं पढ़ी जा रही हैं, नमाज के बाद के जो अज़कार हैं, सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार, हर मौका और महल के लिए घर से निकलने के अज़कार, घर में दाखिल होने के अज़कार, गाड़ी में सवार होने के अज़कार, खाना खाते वक्त के अज़कार, आप कज़ाए हाजत के लिए हमाम में दाखिल हो रहे हैं, हमाम से निकल रहे हैं, हत्ता के बीवी से मिलने से पहले भी आपको अल्लाह का नाम मैंने जिक्र करने का हुक्म दी, दुआएं सिखाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह को याद किया जाए, कसरत से याद किया जाए, कभी उसको फरामोश ना किया जाए। ये अल्लाह के हुकूक में से एक हक है, अजीम हक है कि हम उस अजीम हस्ती को, मोहसिन आज़म को, मुनीम हकीकी को कसरत से याद करें, उससे दिल जान से मोहब्बत की जाए। वो हस्ती ऐसी अजीम है, उसके एहसानात इतने अजीम हैं कि हमारी ज़िंदगी की हर सांस के साथ उसका एक एहसान हम पर होता है। जो सांस इस वक्त हम अंदर ले चुके हैं उसका एहसान अगर ना हो तो वो वापस ना आए तो हमारी ज़िंदगी का खातिमा है। तो हमारी ज़िंदगी की हर सांस जो अंदर दाखिल हो रही है, जो बाहर आ रही है, उस मोहसिन आज़म के एहसान के नतीजे में, वो रहमान और रहीम है, वो मोहसिन आज़म है, मुनीम हकीकी है, रब्बुल आलमीन है। तो उसे दिल जान से मोहब्बत की जाए। कभी कोई आदमी भूख के वक्त एक आध रोटी आपको खिला देता है, प्यास के वक्त एक गिलास पानी पिला देता है, और वहाँ पानी नाम की कोई चीज़ ना हो, हलक सुख कर कांटा हो गया हो और मौत के आसार आपके सामने ज़ाहिर हो गए हों, ज़िंदगी भर उससे एक गिलास पानी को आप नहीं भूलेंगे, उस पिलाने वाले को नहीं भूलेंगे।
जो हस्ती माँ के पेट में आपको फरामोश नहीं करती रही, वहाँ भी आपको ऑक्सीजन पहुँचाते रहे, गजा पहुँचाते रहे, 9 महीने आपकी हिफाजत का हर सामान अल्लाह ताला ने किया, दुनिया में आने के बाद भी सबसे कमज़ोर बच्चा किसी का होता है तो इंसान का, खुद से खा नहीं सकता, जब तक माँ अपना सीना उसके सामने पेश ना करे, दूध उसके मुंह, दूध के लिए पिस्तान अपना उसके मुंह में ना दे, वो कुछ पी नहीं सकता, और कई महीनों तक तो वो चल फिर भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, और सबसे पहले उसके कानों की शनवा, कुव्वत शनवा ही काम करती है, फिर आंखें खुलती हैं कुछ अरसे के बाद, कुछ एक वक्त के बाद फिर वो देखने लगता है। उसको जब भी कोई तकलीफ होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो रोने के सिवा और माँ ही समझती है कि ये भूख की वजह से रो रहा है, या पेट के दर्द की वजह से रो रहा है, या किसी तकलीफ की वजह से तड़प के रो रहा है। तो बहरकैफ वो अजीम हस्ती, उन्हें में हकीकी मोहसिन आज़म, उसे मोहब्बत की जाए, उसकी तज़ीम की जाए, उसकी तौक़ीर की जाए, उसके अस्माए गिरामी और सिफात अवलिया की तज़ीम की जाए, उसकी किताब मुक़द्दस कुरान मजीद की तज़ीम और तौक़ीर की जाए। ये हैं अल्लाह की मोहब्बत के माने, उसकी हमदोसना के गीत गाए जाएँ, उसके अहकाम को बजा लाया जाए, हर वक्त उसकी सच्ची मारिफत के हुसूल की कोशिश में लगा रहे बंदा। अल्लाह ताला की मारिफत किन चीज़ों से हासिल होती है और किन चीज़ों से हासिल नहीं होती, इस पे हमारे बड़े तफसीली दुरुस्त हुए हैं। तो मारिफत इलाही का सबसे बड़ा वसीला, सबसे बड़ा ज़रिया, सबसे बड़ा सबब अल्लाह की किताब और प्यारे नबी की अहादीस, सही अहादीस। तो कुरान मजीद का कोई सफ़ा अल्लाह के अस्मा व सिफात से खाली नहीं मिलेगा आपको, बल्कि अहकाम वाली आयतों के इख्तिताम पर भी आपको अल्लाह के अस्मा गिरामी और उसके सिफात औलिया पे इख्तिताम होता हुआ दिखाई देगा आपको। तो अल्लाह के अस्मा और सिफात में से 108 अल्लाह के नामों की शरह अल्लाह ताला के फजल और उसके तौफीक से हमने आपके सामने पेश किए, अल्लाह उसे कबूल फरमाए और उसकी तकमील के शरह, जैसे अल्लाह के शायन शान, अल्लाह के ज़ात के शायन शान, उसकी शरह को की तकमील के तौफीक अता फरमाए। दीनी भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह ताला की मोहब्बत का माना यह है कि उसकी तलब और रज़ा में जान खपा दी जाए, उसकी खुशनुदी के हुसूल में अपने कीमती अवकात सर्फ किए जाएं, उसी की रज़ा तलबी की खातिर अपने अमवाल, माल दौलत, धन दौलत खर्च की जाए, उठते बैठते उसके अस्माए गिरामी का वजीफा पढ़ा जाए, उसी की धुन हर वक्त दिल और दिमाग पर समाई रहे, उसी की याद से दिल आबाद व मामूर रहे, उसी के खौफ से हर वक्त अल्लाह ताला की पकड़ से, अल्लाह ताला की गिरफ्त के खौफ से हर वक्त इंसान लर्जा और तरसा रहे, अपनी जायज़ ज़रूरतों की तकमील के लिए उसी अल्लाह करीम, अलजवाद, अलमुती, अलवहाब के सामने अपना दामन फैलाए, अपना दस्ते तलब फैलाए रखे, उसी जमाल आ रहे जहाँ जहाना पर हमारी निगाहें जमी रहें, क्योंकि वह अलजमील है, वह अलवदूद है, उसी के सामने जबीन नियाज हमारी झुकी रहे, उसी से हर कस्म की उम्मीदें हमारी वाबस्ता रहें, उसी के राह में सब कुछ लुटा देने वाला सब कुछ मिटा देने, हत्ता के सर कटा देने का जज्बा हर दम बेदार रहे, उसके बुलंद बाला औसाफ़ व कमालात खूब बयान किए जाएँ, हर दम उसकी बुजुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, अजमत के कसीदे पढ़े जाएँ, उसकी अजमत व बुजुर्गी, जलाल व कमाल की सिफात बयान की जाएँ, उसकी सिफात शान शौकत और अजमत बयान की जाएँ, उसकी मद व सना में मुबालगा आरई की जाए, क्योंकि जितनी भी हम उसके मद व सितायश और हमद व सना बयान करेंगे, उसका हक हमसे अदा नहीं हो पाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती जिनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजर गई, अल्लाह की मारिफत करवाने में गुजर गई, आप कहते हैं कि ला उहसी सनान अलैक अंत कमा सनैत अला नफ्सिक, सही मुस्लिम की रिवायत के अल्फाज हैं,
अल्लाह मैं तेरी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, तू ऐसा ही है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ की, बस यही मुझसे हो सकता है। तो बरकैफ उसके आगे बेताबाना सर नियाज खम कर दिया जाए, साथ ही उसकी रज़ा और खुशनुदी के खातिर उसका हर हुक्म बजा ला जाए, उसकी रजामंदी की खातिर हर कस्म की मतलूबा कुर्बानियाँ पेश की जाएँ, उसके दिल में बंदे मोमिन के दिल में किसी भी कस्म के हुक्म अदली का ख्याल बल्कि तसव्वुर भी नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला ने मोहब्बत अपनी मोहब्बत का हसीन तज़करा कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर किया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 165 में अल्लाह का फरमान है, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله। بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اہل ایمان کو دیکھو وہ اللہ ہی سے سب سے قوی اور سب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ایمان والو، تم میں سے جو شخص اللہ کے دین سے مرتد ہو جائے گا تو سن لے، اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ خود محبت کرے گا، بنفس نفیس محبت کرے گا، اور وہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اور ان کی چار صفات بیان کی گئی ہیں اس آیت میں، جو اہل ایمان پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ سورہ فتح میں بھی کہا گیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اہل ایمان پر وہ نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، کوئی کچھ کہتا ہے کہنے دو، لیکن وہ برابر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ اچھا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس سے اللہ خود محبت کرے گا، ویحبونہ وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کا خیرخواہ بن جائے گا، ان کے حال پر مہربان بن جائے گا، ان کا کفیل اور نگران بن جائے گا، ان کو اللہ کی معیت خاصہ، رحمت خاصہ حاصل ہوگی، ہر وقت اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی، اللہ کی نگرانیوں میں ان کے قدم اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کے شامل حال رہے گی، ہر میدان میں اللہ کی رہنمائی، ان کو خصوصی رہنمائی ملے گی۔ یہ ہے اللہ کی محبت، بندوں سے اللہ کی محبت کا معنی اور مفہوم۔ اس آیت کی تفسیر میں احسن البیان میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آج سے ایک سال پہلے حفظہ اللہ انہیں کہتے تھے، آج وہ زیر زمین اللہ کے رحمتوں میں پہنچ گئے۔ قتادہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیونکہ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت سے عرب بدو قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لہذا ایسے ہی ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا، تو اس کے خاتمے کا شرف حضرت ابو بکر
और उनके साथ में जो सहाबा किराम थे रदी अल्लाह अन्हुम व रदु अन्हु, तमाम सहाबा से अल्लाह ताला राज़ी हो और उन पर अपनी खुसूसी रहमत फरमाए। उनको ये शर्फ हासिल हुआ, मुर्तदीन के मुकाबले में जिस कौम को अल्लाह ने खड़ा किया उनमें ये चारों सिफात नुमायाँ थी। वो अहले ईमान के साथ बड़े नरम दिल हुआ कर नरमी का मामला करते थे, कुफ्फार के मामले में मुर्तदीन के मामले में बड़े सख्त दिल होते थे वो। और अल्लाह के नज़दीक उस कौम का उनका महबूब होना और अल्लाह से उनका मोहब्बत करना, अल्लाह से वो मोहब्बत करते थे, अल्लाह ताला ने उनसे मोहब्बत की, इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा रदी अल्लाह अन्हुम। क़यामत तक के लिए पढ़े जाने वाले कुरान में उनको एक तमगा दिया, उनके सीने पे एक तमगा नसब किया गया कि एक मिडिल लगाते हैं ना कि भाई इनकी तरक्की किसी की होती है तो सबसे बड़ा शरफ दीदारे इलाही से पहले अल्लाह ताला जन्नत में भी दीदारे इलाही सबसे बड़ी नेमत, उसके बाद कहेंगे अल्लाह ताला अब तो तूने अपना दीदार भी करवा दिया, अल्लाह कहेंगे मज़ीद कुछ चाहिए, कहेंगे अब हमको क्या चाहिए, अल्लाह को देखते रहेंगे वो निगाहें फाड़ फाड़ के, तो उस वक्त अल्लाह कहेंगे ला असखतु अलैकुम अबदा उहिल्लु अलैकुम रिद्वानी, हमेशा हमेशा के लिए मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँगा, कभी आज के बाद तुमसे कोई नाराज़गी नहीं होगी। तो अल्लाह की रज़ामंदी का शर्फ दुनिया में किसी का हासिल हुआ है तो सहाबा इकराम थे। अहले ईमान की दूसरी सिफत ये थी कि अहले ईमान के लिए दिलों में उनके नरम गोशे थे, कुफार पर वो बड़े सख्त थे क्योंकि वो अल्लाह के नाफरमान हैं। अल्लाह की राह में दीन के गलबे के लिए हर कस्म का उन्होंने जिहाद किया, जिहाद सिर्फ तेगो तलवार से नहीं बल्कि जिहाद अपने बयान से, कलम व बयान से, अपने ज़ुबान से, और जिहाद बिन नफ्स, जिहाद के 13 मरतबे हैं, आखिरी मरतबा है सिलाह से हथियार से ने जिहाद करना। और जिहाद के अक्सर जो मौके आते हैं जिहाद दिफा, कोई दुश्मन तुम पर हमला करे तो हम में से हर एक को अपनी दिफा का हक है। तो बहरकैफ अल्लाह के बारे में किसी मलामतगर की मलामत से न डरना, बस तुम अल्लाह का तारुफ करते जाओ, अल्लाह के दीन पर अमल करते जाओ, कोई तुमको बुरा कहता है भला कहता है कुछ कहता है कहने दो, कोई मसला नहीं। सहाबा किराम के अंदर ये चारों सिफतें चारों खूबियाँ क्या बदरज अतम मौजूद थी। अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की सआदतों से उन्हें मुशर्रफ फरमाया और दुनिया में अपनी रजामंदी के सनद से उन्हें नवाज दिया। तो दीनी भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों और मौजूद सामीन और सामियात, इन आयतों में जो अभी आपके सामने पढ़ी गई है मोहब्बत इलाही का तज़किरा है। मोहब्बत इलाही के ताल्लुक से बहुत कुछ लिखा जा चुका है और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें लिखी हैं, लेकिन कुरान मजीद में जो उसका मफहूम बयान किया गया है सूरह आल इमरान के आयत नंबर 31 और 32 में अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के दरमियान ऐलान कर दें, बता दें, कह दें कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, मोहब्बत हकीकी मोहब्बत करते हो, फत्तबिउनी मेरी इत्तबा करके दिखाओ, अगर हमारी सूरत और सीरत हमारी ज़िंदगी का हर कदम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जितना ज़्यादा करीब होगा उतना ही हमारा ईमान ताकतवर मज़बूत पायदार और तवाना होगा और हमारे ईमान में उतनी ही मजबूती और पुख्तगी आएगी। जिस कदर हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से दूर होते जाएंगे तो हमारा ईमान उसी कदर कमज़ोर होता जाएगा, ये उसूल याद रखें। अगर हम इत्तबा रसूल में कामिल निकलेंगे
तो नतीजे में हमें क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा हासिल होगा? अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह। कमाल ये नहीं है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें। फितरतन हर आदमी अपने मोहसिन को चाहता है, और अल्लाह के एहसान की कोई इंतहा है? कोई गिन सकता है अल्लाह की नेमतों को? कुरान मजीद में, सूरह इब्राहिम में और सूरह नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَن تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا एक आयत में है, और लन तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को तुम गिनाना चाहो तो शुमार करना मुमकिन ही नहीं। किस किस नेमत को हम सूरह रहमान में فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, अल्लाह के किन किन नेमतों को तुम झुठलाओगे? 30 से ज़्यादा मकाम पर यह आयत दोहराई गई है। यह आयत मुकर्रर नहीं है, हर आयत के बाद जब यह आयत लाई गई तो वहाँ उस आयत से बताओ उसका ताल्लुक। लोग कहते हैं ये मुकर्रर है, मुकर्रर नहीं, दोहराई तो ज़रूर गई है लेकिन उसका ताल्लुक उससे पहले आयत से। एक एक नेमत का अल्लाह तज़करा करके याद दिला रहा है, किस किस नेमत को तुम झुठलाते रहोगे मेरी? तो अल्लाह ताला के एहसानात की कोई इंतहा नहीं। नेमतों की बारिशें हम पर हो रही हैं, हम उसके नेमतों को याद भी नहीं कर सकते, याद भी नहीं रख सकते कि किस वक्त और कब हम पर किस किस्म की नेमतें हुई थी। उसकी नेमतों को इस्तेमाल तो कर लेते हैं लेकिन जब वो नेमतें नाशुक्री करते हैं और नाशुक्री के नतीजे में वो नेमतें छिन जाती हैं तो फिर वो याद आने लगती हैं। فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت نے محبت الہی کے مفہوم کو بالکل واضح کر دیا۔ رسول کی اتباع، محبت الہی کا مطلب ہے رسول کی اتباع۔ جو شخص اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ محض قولی محبت، یعنی اس کے ذکر و تسبیح پر قناعت نہ کرے۔ اللہ کا ذکر مطلوب ہے، اس کی تسبیح مطلوب ہے، اس کی حمد و ثنا مطلوب ہے، उसकी मारिफत के लिए कोशिश मतलूब है। सिर्फ नमाज के बाद के अज़कार, सुबह शाम के अज़कार, कुरान मजीद की तिलावत इसी पर नहीं बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कई गोशे, हज़ारों गोशे हैं, हर गोशे के हज़ारों पहलू हैं। आपकी अमली सीरत को देखा जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को किस्से कहानियों की तरह पढ़ने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि आपके अखलाक कैसे थे, तो आपने कहा कान खुलुकुल कुरान, आप रोए ज़मीन पर चलता फिरता कुरान का अमली नमूना थे, जो कुछ कुरान में है वो आपने दुनिया के सामने करके दिखाया। तो इत्तबा रसूल को लाजिम जाने, सिर्फ कौली मोहब्बत, जिक्र और तस्बीह पे कनात ना करें। आजकल सिर्फ कौली मोहब्बत पर जोर दिया जाता है, इतनी मर्तबा, इतने हज़ार मर्तबा, हज़ार दानी की तस्बीह लो, ये वजीफ़ा पढ़ लो, तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। जिसको नौकरी नहीं है, मुलाजमत नहीं, वो भी देखते देखते मिल जाएगी। तो अमली ज़िंदगी में इत्तबाए रसूल कोई मुश्किल ही से आपको मिलेगा अल्लाह के नबी की इत्तबा करते हुए। कोई शख्स मोहब्बत इलाही का दावा करने के बावजूद इत्तबाए रसूल नहीं करता है तो उसकी मोहब्बत के झूठे होने की ये दलील है। अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वाला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा, क्योंकि ये नामुमकिन है कि आदमी किसी से वाकई मोहब्बत करता हो फिर भी उसकी बात ना माने। आदमी अपने महबूब के हुक्म अदौली कर रहा है तो उसके मोहब्बत के झूठे होने की दलील है। खा मोहब्बत करने वाला ज़ुबान से ज़मीन यानी महबूब की तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कुलाबे ही क्यों ना मिला दे। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अलअज़ीम, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। बाहर निकला सूदी कारोबार, मस्जिद में सर अल्लाह के सामने झुका रहा है, मस्जिद के बाहर निकलते ही झूठ, रिश्वत, हर हराम का काम कर रहा है, तो ये अल्लाह ताला की इताअत हुई? तो मेरे भाइयों, इताअत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अमली नमूनों को सामने रखा जाए, प्यारे नबी की इत्तबा की जाए। यहाँ एक और हकीकत को वाज़े करना मुनासिब मालूम हो रहा है।
रसूल की इत्तबा दरअसल वही इलाही अल्लाह ताला की तरफ से जो वही अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती थी उसकी इत्तबा है। अल्लाह के नबी अपनी तरफ से कुछ बोलते नहीं थे। वमा यंतिकु अनिल हवा वा इन हुवा इल्ला, अल्लाह ताला जो मलिकुल मुलूक है, अल्लामुल गुयूब है, शहंशाह आज़म है, मोहसिन हकीकी है, मोहसिन आज़म है, उसकी इत्तबा और उसकी फरमा बरदारी है। अगर किसी को बादशाह हकीकी से वाकई मोहब्बत है तो उसके फरमान से भी यकीनन मोहब्बत होनी चाहिए, उसके अहकाम से भी मोहब्बत होनी चाहिए, और उसकी तामील में जोश खरोश और खूब सरगर्मी दिखाना चाहिए उसको। क़ुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के ताल्लुक से फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिउना अर-रसूल अन-नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन अंदहुम फित-तौरात वल-इंजील يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون। نبي أكرم صلى الله عليه وسلم کی اتباع پر دنیاوی اور اخروی کامیاب آنا پڑے گا۔ تو بہرکیف دینی بھائیو، اسلامی ماں اور بہنو، अल्लाह से मोहब्बत हर मोमिन की दिली ख्वाहिश, उसकी देरीना आरज़ू होती है, और अल्लाह की मोहब्बत का माना और मतलब और मफहूम जो आपने सुना ये वही है जो अल्लाह ताला के रसूल ने हमें सिखाया था अपनी अमली ज़िंदगी से। मैंने इससे पहले के काफ़ी दुरुस्त में और हमेशा कहते रहता हूँ, आज भी आपको याद दहानी के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोमिन की जो मोहब्बत होती है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा के बग़ैर मुमकिन ही नहीं। एक मोमिन से, एक बंदे मोमिन से कितनी किस्म की मोहब्बतें मतलूब हैं मुनीर मियां, कितनी किस्म की मोहब्बतें मतलूब हैं? आप हमारे साथ नहीं हैं। तीन किस्म की मोहब्बतें कितनी दुरुस्त में हम आपसे कह रहे थे। सबसे टॉप मोस्ट लेवल की मोहब्बत किससे? अल्लाह ताला से, याद आ गया। एक बंदे मोमिन से तीन किस्म की मोहब्बत, सबसे टॉप मोस्ट लेवल की मोहब्बत अल्लाह ताला से, फिर अल्लाह की ज़ात के बाद दूसरे नंबर पर इंसानों में सबसे अजीम तरीन हस्ती, सबसे मुकद्दस, सबसे अफजल इंसान जिसको अल्लाह ताला ने जिनको इस दुनिया में भेजा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, उनसे मोहब्बत सबसे बढ़कर, तमाम नबियों से बढ़कर, तमाम नबियों से मोहब्बत हमारे ईमान का एक हिस्सा है। किसी भी नबी से बुग़्ज़ और नफ़रत हमारा दीन नहीं सिखाता, और सारे नबियों पर ईमान रखना हमारे दीन की तालीमात हैं, लेकिन सबसे बढ़कर मोहब्बत करने की तालीम हमें किससे दिया, किससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर अहले ईमान से दर्जा बदर्जा हमारी मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा, दलील क्या है इसकी? मैंने पहले भी कई मरतबा दलील बताया था, सूरह मायदा की आयत नंबर 56। उमय यतवल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीन आमनू फइन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल ग़ालिबून। जो शख्स अल्लाह ताला उसके रसूल और अहले ईमान से मोहब्बत और दोस्ती करे तो बेशक अल्लाह की जमात ही गालिब रहेगी। तो मालूम ये हुआ कि जो शख्स अल्लाह ताला से मोहब्बत, पहले किसकी मोहब्बत का जिक्र है? अल्लाह की मोहब्बत, दूसरे उसके रसूल, दूसरे नंबर पर किसकी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरे नंबर पर अहले ईमान। यही तरतीब कुरान ने हमें सिखाई है कि मोहब्बत के मामले में सबसे पहले, सबसे अजीम, सबसे टॉप मोस्ट लेवल की, सबसे ऊँचे दर्जे की, सबसे आला तरीन मोहब्बत हमारी किससे होनी चाहिए? सबसे पाकीज़ा मोहब्बत हमारी किससे होनी चाहिए? अल्लाह से मोहब्बत की नौयत क्या है? अकली मोहब्बत उसको कहते हैं, ईमानी मोहब्बत कहते हैं। ये तबी मोहब्बत नहीं है, अकली मोहब्बत है, शरई मोहब्बत है, ईमानी मोहब्बत है, दीनी मोहब्बत है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में दोनों मोहब्बतें आ जाती हैं, शरई और तबी। जब शरई मोहब्बत हो जाती है तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबी मोहब्बत भी हो जाती है, लेकिन तबी मोहब्बत नजात के लिए काफ़ी नहीं है। एक आदमी शरई मोहब्बत ना करे, तबी तौर पर आपकी सीरत पढ़े और आप कितने मुशरिक, कितने काफिर, कितने मुस्तशरिकीन, कितने यूरोप के
यहूदी और नसारा ने आप पर सीरत की किताबें लिखी, खुद हिंदुस्तान के हिंदुओं ने आप पर सीरत की किताबें लिखी, क्या तभी मोहब्बत की वजह से उनके दिल में मोहब्बत, आपकी शख्सियत से मोहब्बत पैदा हुई, इसीलिए तो उन्होंने किताब लिखी, लेकिन इसके बावजूद क्या उनको मुसलमान कहा जा सकता है? क्या उनको अहले ईमान के ज़ुमरे में शुमार किया जा सकता है? नहीं। तभी मोहब्बत की वजह से ये उनको आखिरत में नजात नहीं होगी, सिर्फ अजाब में थोड़ी सी तख़फीफ़ होगी। तभी मोहब्बत की वजह से अबू तालिब अब्द मनाफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को, सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक, तो बहरकैफ़ एक सच्चा मुसलमान अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत को बाकी तमाम चीज़ों पर तरजीह देता है। बहरकैफ़ दीनी भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, बातें बहुत हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह ताला से मांगा करते थे, दुआ करते थे, असअलुक हुब्बक व हुब्ब मा युहिब्बक व हुब्ब अमलिन युकर्रिबु इला हुब्बिक। तिर्मिज़ी में और भी बहुत सारी रिवायतों में मुख्तलिफ अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुक हुब्बक हुब्ब मा युहिब्बक हुब्ब अमलिन युकर्रिबुनी इला हुब्बिक वजअल हुब्बक अहब्ब इलैय मिन अल मा अल बारिद अला अज़्ज़मा, इस तरह के अल्फाज भी। तो अल्लाह तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल है, तेरी मोहब्बत का मैं तलबगार हूँ, उस शख्स की मोहब्बत भी मैं तलब कर रहा हूँ जो तुझसे मोहब्बत करते, यानी अहले ईमान की मोहब्बत भी मेरे दिल में डाल दे और ऐसे नेक आमाल की मोहब्बत भी मेरे दिल में डाल दे जो तेरे क़ुर्बत का सबब बने, तेरे तकर्रुब का सबब बने, तेरे तुझसे नज़दीकी का सबब बने। तो नेक आमाल, अच्छे अखलाक और अच्छे मामलात अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत मांगी जाती है, कुरान से मोहब्बत मांगनी चाहिए। वजल اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي, اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری دعائیں سکھائی۔ اللہ کی محبت بھئی, محبت تو دل میں ہوتی ہے, دلی تعلق کا نام ہے, لیکن ہمیں کیسا پتا چلے کہ हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? सिर्फ दावा करने से तो मोहब्बत का सबूत नहीं मिलेगा ना, दावे को दलील के अमल के अमल से सबूत पेश करना होगा, अमली सबूत से। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामतें क्या हैं? हम वाकई में अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उसकी कुछ अलामतें बताई गई हैं। तो मगरिब के बाद जो दर्स है, कुछ अहम तरीन अलामतों का इंशाल्लाह तज़किरा किया जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे, उसके एहसानात को याद करके उसकी उसके हकूक को बगैर किसी कमी बेशी के जैसे उसने हमसे मुतालबा किया है अदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमतौर से लोग यही समझते हैं कि अल्लाह का सिर्फ एक ही हक है कि उसकी वहदानियत को बजा लाओ, उसके तौहीद को अपनाओ, शिर्क से बच जाओ, यही एक हक समझते हैं। बहुत से हुकूक हैं, सूरह निसा की आयत नंबर 36 की जब तफसीर हमने की थी तो उस वक्त 27 किस्म के हुकूक की सीरीज़ बहुत तवील है, लेकिन अल्लाह ताला के हुकूक भी जो बयान किए थे तो 8-10 बड़े बड़े हुकूक का तज़किरा किया गया था। नमाज भी अल्लाह का हक है, रोज़ा भी अल्लाह का हक है, हज ये माली इबादत भी है और बदनी इबादत भी है, ज़कात ये माली इबादत भी है, और अल्लाह ने ज़कात देने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ताला ने, उसका भी हक है और बंदों का भी हक है इसमें। तो बहरकैफ़ हमको अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला के हुकूक सही मानों में अदा करने वाले बन जाएँ, अल्लाह से सही मानों में मोहब्बत करने वाले बन जाएँ। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خير۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نبی کی ضمانت دی گئی، تو اگر
अल्लाह से मोहब्बत का दावा हमारा सही है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को अपने